शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंपा देख सुन तो, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। देख चंपा, एक मिनट मेरी बात तो सुन। ये खूबसूरत फूल तेरे बालों में लगाऊंगा और तेरे इन गालों पर एक मीठी सी पप्पी लूंगा। मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ? इज्जत की देवी कानून की मूर्ति श्रीमती सुमित्रा देवी के घर या शहर के किसी घटिया सिनेमा हॉल में? नमस्ते जज साहिबा। आप जी? मेरा नाम एमपी राजशेखर। तशरीफ रखिए चंपा, इनके लिए कॉफी लेकर आओ। वाह, आपके घर की कॉफी काफी मजेदार है। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। ठहरिए, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूं। आप मेरे घर पर एक एमपी की हैसियत से आए हैं, इसलिए मैंने आपको इज्जत से बिठाया, आपको कॉफी पिलाई। मगर अगर आप अपने बेटे के मुकदमे के सिलसिले में कोई बात करने आए हैं तो माफ कीजिएगा, मैं अपने घर पर अदालत के मामलों पर बात नहीं करती। सुनिए, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। मैं इतना चालाक हूँ कि ब्रह्मा को पुतला दिखाकर उसमें जान डलवा सकता हूँ। अपनी चालाकी अदालत में दिखाइएगा। इस तरह आपका चले जाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अगर चाहूँ तो अंडमान में कोर्ट खुलवा कर आपका ट्रांसफर करवा सकता हूँ। मिस्टर एमपी, आप उस औरत से बात नहीं कर रहे हैं जो चार दीवारी के बीच रहकर औरों के सुख के लिए अपने आप को कुर्बान कर देती है, बल्कि उस औरत से बात कर रहे हैं जो काले कोट वालों के बीच रहकर इंसाफ के लिए जंग लड़ रही है और समाज में सच्चाई जिंदा रख रही है। कानून से टकराओगे तो पुर्जा पुर्जा होकर बिखर जाओगे। अपनी दौलत और अपनी राजनीति की ध्वस कहीं और जाकर दीजिए। ये मत भूलिए मिस्टर राजशेखर कि मैं एक जज हूं जिसके कलम से निकला हुआ एक लफ्ज मुजरिम को फांसी के तख्ते पर लटका सकता है। देखिए जज साहिबा, अगर आपके हाथ में कलम है तो हमारी मुट्ठी में समाज है। हम चाहे तो चुटकियों में कानून बदल सकते हैं। आपकी मुट्ठी में समाज नहीं, बल्कि उसकी कुछ कमजोरियां हैं जिसका आप नाजायज फायदा उठाते रहते हैं। आप कानून बदलवा सकते हैं, उसे तोड़ नहीं सकते। आप मुझे धमकी देकर कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखिए, इस जुर्म में आपको मेरे सामने हाथ जोड़कर अदालत के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। अदालत के कटहरे में खड़े होने के लायक आदमी तो आपके अपने घर में मौजूद है, आपका भाई मोहन। जी हाँ, वो आपकी इस नौकरानी चंपा से गंदी गंदी हरकतें करता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और इस गंदे नाटक का मैं पूरे शहर में, अरे शहर क्या बल्कि पूरे देश में डंडोरा पीटूंगा। आप झूठ भी कहलवाना चाहेंगे तो भी नहीं कहलवा सकेंगे, क्योंकि चंपा गूंगी है, बेजुबान है। क्यों रे चंपा, तू गूंगी है, बोल नहीं सकती? आयु बाबा, कौन कहता है, मैं तो बोल सकती हूँ। ये तो जानती थी कि राजनीति में कुछ लोग बहुत ही नीच चाले चलते हैं, लेकिन इंसानियत से इतनी गिरी हुई चाल कोई चल सकता है, ये मुझे आज ही पता चला। चलिए, हमारे कारण आपको कुछ तो पता चला, लेकिन इसके अलावा और भी बातें हैं जो आपको बतानी है। चंपा, जरा न्यायमूर्ति साहिबा को वो मूर्तियां दिखा दो। Thank you.
अब तो सब कुछ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे बेटे को बेकसूर बताकर रिहा न किया तो ये तस्वीरें देश के सब इम्पोर्टेंट अखबार के फ्रंट पेज पर प्रिंट हो जाएंगी। वैसे मैं आपकी मदद ये मुफ्त में नहीं मांग रहा, मुंह मांगी कीमत दूंगा। हेलो, आईजी साहब को कनेक्शन देना। नमस्ते, मैं जज सुमित्रा देवी बोल रही हूँ। कल शाम मेरे भाई मोहन की शादी हो रही है। दुल्हन हमारी नौकरानी चंपा। हाँ हाँ जी हाँ, लव मैरिज जैसा ही कुछ है। आप दोनों को आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। कुछ लोग सांप के डसने के डर से उसे प्रणाम करते हैं और कुछ लोग उसका सर फोड़कर उससे छुटकारा पाते हैं। आप लोगों को धोखा देकर राजनीतिक बने, लेकिन मैंने इंसाफ की सेवा करके जज की कुर्सी पाई। चंपा को पैसे देकर इस घर में मैंने जासूसी के लिए भेजा था। आपने कैसे सोच लिया कि वो आपकी बात मानकर इस शादी के लिए राजी हो जाएगी? अच्छा, चंपा शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप जैसी देवी के घर में बहू बन के आऊं। अरे हड़प, हट जाओ, निकल जाओ यहां से। क्यों एमपी साहब, काय को कड़के भूखे नंगे के माफिक भड़क रहे हो? अरे तो और क्या करेगा, तुम्हारी वो लड़की चंपा गद्दार निकली। जब जज सुमित्रा ने उससे पूछा कि वो उसके भाई से शादी करेगी तो हाँ कहकर अपोजिशन पार्टी से मिल गई। मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। आज एक औरत पर भरोसा करके अपने जिंदगी में फर्स्ट टाइम धोखा खाया है। अरे जहन्नम में जाओ तुम और तुम्हारा धोखा। मेरे बेटे का क्या होगा, क्या वो फांसी पर लटक कर ही रहेगा? भगवान श्री कृष्ण पर पांडुओं ने भरोसा करके अभिमन्यु को खो दिया था, लेकिन अपन में भरोसा करने वाले की जान तो एक तरफ, कोई उसका बाल भी नहीं उखाड़ सकता। अरे लेकिन कोई तुम पर भरोसा करे कैसे, वो जज की बच्ची कल मुकदमे का फैसला सुनाने वाली है। नहीं सुनाएगी। अरे जरूर सुनाएगी। नहीं सुनाएगी मतलब नहीं सुनाएगी, है साले जान। आया भाई जान, लोग कहते हैं ना तो अपना किसी पे उधार बाकी रखना चाहिए और ना ही अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ना चाहिए। कल सुबह जज सुमित्रा देवी को खूनम खून नालम लाल।
नमस्ते जज साहिबा, पहचाना मुझे? याद है एक बार एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैंने एक गुंडे को मारा तो आपने मुझे 15 दिन कैद की सजा दी थी, और आज मैंने एक जज को बचाने के लिए कई गुंडों को बड़ी बेरहमी से मारा और उन्हें लहूलुहान कर दिया। कहिए आज मुझे आप कितने दिन कैद की सजा देंगी और मुझे कितने 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा? आज शाम को तुम्हारे भाई मोहन का ब्याह है, घर आ जाना। नमस्ते एमपी साहब, शादी हो गई। वैसे आपको शादी का निमंत्रण नहीं दिया फिर भी आप तशरीफ लाए, बहुत खुशी हुई। जी वो हमें निमंत्रण भेजने की क्या जरूरत है, इस इलाके के सभी बच्चे हमारे बेटे बेटियों के समान हैं। इन सब के दुख सुख में शरीक होना तो हमारा कर्तव्य है। और मैंने भी सोचा कि बुलाने पे तो सभी आते हैं, असली तो वही आते हैं जो खुद से चले आते हैं। और सुना आपके यहाँ शादी में खाना अच्छा खिलाते हैं। ड्राइवर कल्पना गेस्ट हाउस चलो। साहब हम कब बुलाएं? हाँ वॉचमैन जी, यार कोई बढ़िया सी शराब पिलाओ। जी साहब। अरे सलाम साहब। अरे साहब ई का आप का है तकलीफ किया, हम का बताते ई खरीदी हम बाजार से करके ला देते जी। नहीं कोई बात नहीं, यूं ही चला गया था, सोचा इसी बहाने थोड़ी सैर हो। अतरा क्यों गए, तस्वीर खिंचवा रहे हो क्या? लगता है हमें यहाँ देखकर तुम्हें कुछ याद आ गया है। तुम समझे ये लड़की अपना जिस्म दिखाकर पेट भरती है, तो अपना जिस्म बेचकर रुपए भी कमाती होगी, और यही सोचकर तुमने मुझे धोखा दिया ना? धोखा? सपना ये तुम क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुमने खुद कहा था कि तुम मेरे हमदर्द हो। मेरे जन्मदिन पर तुमने तोहफे की शक्ल में मुझे फूल दिए, मेरे दिल में इतनी उम्मीदें जगाई, और आज तुमने किसी और लड़की से शादी कर ली। लेकिन लेकिन सपना मैंने तुम्हें कभी भी इस नजर से नहीं देखा। मैं जानती थी तुम्हारे मुंह से एक दिन ये अल्फाज जरूर निकलेंगे। मिस्टर मोहन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे इस धोखे का ऐसा जवाब दूंगी कि तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। सपना सुनो तो मेरी। अरे चलो सपना, हमें इससे क्या लेना देना, अब चलो। शाबाश बेटी, क्या नाटक खेला तुमने, मोहन के छक्के छुड़ा दिए। मैं कहता हूँ उसके कदम डगमगा गए। लेकिन डैडी हम लोग कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे ना? कभी भूल कर भी इस तरह मत सोचना। आज से 15 साल पहले अगर वो शैतान औरत भी इस तरह सोचती तो हमारी जिंदगी तपते हुए रेगिस्तान की तरह ना होती। खैर तू जाकर आराम से कमरे में सो जा, मैं उनका जीना आराम कर दूंगा। चप्पा रानी अपुन बाहर आ गया है, और मतलब तेरे को अच्छी तरह से मालूम। मर्डर मर्डर खून खून लालम लाल। नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। अपुन तेरे को मारने के वास्ते इधर थोड़ा आया है, अपुन तुझे ये समझाने के वास्ते इधर आया है कि तू अपने मर्द को रात कर डाल। नहीं नहीं तकिए के नीचे बेहोशी की दवा रख देना है, सेब पर चाकू लगा देना है, तू अपने मर्द को वो दवा सूंघा कर उसके सीने में वो चाकू। नहीं तो अपुन तेरा मर्डर कर देगा। Thank you.
चाकू काफी तेज है ना, इससे सेब भी काट सकते हैं और आदमी का गला भी, है ना? ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, लगता है हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं। अगर कहीं कोई अनहोनी बात हो जाए तो? ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। ये चाकू मुझे दीजिए। इसे मेरे ही पास रहने दो। तुम इस आदमी के बारे में कह रही थी? जी हाँ, मैं और मोहन एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करने की सोच रहे थे, लेकिन इनकी बहन ने इनकी शादी जबरदस्ती अपनी नौकरानी चंपा से कर दी। ये अपने हनीमून पर जा रहे थे और इन्होंने मुझसे कहा कि मैं इनसे मिलने गेस्ट हाउस पर आ जाऊं। मैंने अपनी आंखों से देखा इंस्पेक्टर साहब कि चंपा से विनती कर रहे थे कि वो इन्हें तलाक दे दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इन्होंने गुस्से में आकर उसे चाकू घोंप दिया और वो मर गई। नहीं, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। मैंने उसका खून नहीं किया। सपना, सपना मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मुझे फंसा कर तुम्हें क्या मिलेगा? इंस्पेक्टर साहब, इसकी बात का यकीन मत कीजिए। प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर, इसे मत लिखिए, झूठ बोला है इसने। मैंने जो कहा वो सही है। नमस्ते जज साहिबा, कैसा लगा ये नया मुकदमा? मेरे बेटे का मुकदमा आपकी अदालत में है क्योंकि उसने अपनी पत्नी का खून किया है, और आपका भाई पुलिस की हिरासत में है क्योंकि उसने भी अपनी पत्नी का खून किया है। इंसाफ के तराजू में दोनों के जुर्म बराबर वजन के हैं, इसलिए अगर मेरे बेटे को फांसी हो गई तो यकीनन आपके भाई को भी फांसी हो जाएगी, और अगर आपने मेरे बेटे को रिहा कर दिया तो आपके भाई की रिहाई की तरकीब मैं आपको बता दूंगा। दैट्स माय पॉलिटिक्स। शेखर, मेरे भाई को खून के इल्जाम में फंसाकर तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि तुम्हारे चक्रव्यूह के जाल में मेरा भाई अभिमन्यू की तरह फंस गया है। लेकिन उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए रवि अभी तक जिंदा है। तुम्हारे सारे प्लान मैं बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें जेल भिजवा कर अगर चक्की ना पिसवा दी तो मैं भी अपनी बहन सुमित्रा देवी का भाई नहीं हूं, और यह तुम याद रखना। और हां, अगर तुम्हारे पास पॉलिटिक्स है तो मेरे पास भी पॉलिट्रिक्स है।